नवे नियुक्त मेयर पन्नालाल पाटिया नू फुल्ला दी माला अते बुके भेट करके सन्मानित किया गया। इस मौके ते पन्नालाल ने अपना स्थान लेके बाद विच मेयर पन्नालाल पाटिया अते विधायक अमित विज ने पार्टी हाईकमान अते पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दा धन्नवाद किया। इस संबंध विच मेयर पन्नालाल पाटिया अते विधायक अमित विज ने की कहा, आओ सुनदे हां। बड़ा खुशी का मौका है, मेरे साथ मेरे एमएलए साहब, हमारे जिले के प्रधान बैंस साहब आशीष वेद जी, बानू प्रताप जी चेयरमैन, अपने मेरे काउंसलर साथी और विक्रम जी डिप्टी, अपना सीनियर डिप्टी मेयर, अपना अजय जी जूनियर डिप्टी मेयर, बबली बाजी जरे साढ़े एफएनसीसी के मेंबर, मीनाक्षी जी एफएनसीसी के मेंबर, और मेरे जो साथी काउंसलर और मेरे वीर जड़े इतने आए ने सारे, अज बड़ा खुशी का मौका भी इन्हों ने इतने आना। मैं सारे जी आया ना कहना, और ते प्रेस का भी मैं सारे का धन्यवाद करता, और नाल इस गल का यकीन दिलाना तुहानू कि आने वाले जिहड़ा टाइम है साढ़े वास्ते पठानकोट वास्ते बड़ा बेहतर वधिया होएगा। मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि शहर के विच सब तो पहला सीवरेज का, वाटर सप्लाई का, गंदगी का, नालियां की साफ सफाई का, साडा सब तो पहला काम जिहड़ा इहो ही होएगा कि असी सब तो पहले तिना महीनों च सफाई उत्ते पूरा जोर देंगे और इहनू बेहतर तो बेहतर सुविधा बनाने की पूरी कोशिश करांगे। सर, आप पार्षद भी रह चुके हैं, हाउस में कई लड़ाइयां भी लगी हैं, क्या खामियां लगती थी जो आप मेयर बनने के बाद उसको दूर करें? देखो जी, मेरे को जमीनी लेवल पे जो है सभी पता है कैसी कैसी परेशानी आती है, पर मेरे को लगता है मैं उसको फेस कर सकता हूँ। आप देखोगे तीन चार महीने में ये सारी जो प्रॉब्लम है फेस करते हम पठानकोट में एमएलए साहब का, सुनील जाखड़ साहब का, अपने जो हमारे पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं, अपना प्रधान है, और जो सीएम साहब है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, इन सब का नाम मैंने ऊंचा करना जी। विधायक की ओर से कई विकास के कार्य जो है शहर के लिए कराए जा रहे हैं, सिक्योरिटी बेस के माध्यम से भी कराए जा रहे हैं, क्या कहना चीज को लेकर कि कितना आप उसमें श्रेय लेंगे जो वो काम जो है विकास के कराए? जो भी मेरे जिम्मे काम होंगे जी पूरी ईमानदारी से करेंगे। मैं एमएलए साहब को, अपनी पूरी टीम को ये भरोसा दिलाता हूँ कि कभी भी उनको मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। देखो पहले जड़िया कमियां रही हैं, मैंने पता आप उन्होंने कमियां भी पूरा मिल के सारे काउंसलर साहिबान दूर करांगे। मैंने लगता कि तुम मैनु एक दो महीने का जरूर टाइम दोगे, मेरा साथ दोगे, क्योंकि थोड़ा भी बड़ा जरूरी है, और जिहड़ियां भी कमियां साडे इलाके दीआं रहिणगीआं नवे एरिया दीआं रहिणगीआं आपां उहनूं पूरी तरह दूर करांगे। ऑलरेडी पहलां भी साडे एमएलए साहब बड़े प्रयासरत ने, तुहानूं पता ही है, हाँ जी, ते इहनूं दूर करांगे। कोई विरोधी दल च हमेशा इही गल रहिंदी है कि विकास जिहड़ा साडे जिहड़े जित्ते होए उत्थे कीता जांदा, इस बारे किवें देखदे हो सारे तुसीं? मेरे तो ज्यादा भली भांति जाणदे हो कि उहनां एरिया च विकास क्यों नहीं होया। मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहुंदा किसे विरोधी ते, सो तुसीं मेरे नाल ज्यादा बेहतर जानते हो कि क्यों नहीं विकास होया। बिल्कुल ना लैके सारे ने चलना। सबसे पहले सुनील जाखड़ साहब का, हमारे स्टेट प्रधान कांग्रेस के, ये सारा ही श्रेय पहले तो लोगों को देता हूँ पठानकोट के, जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी काम करने की। फिर उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और जाखड़ साहब को देता हूँ, टिकटों से लेकर और मेयर बनाने तक, और पूरी जो टीम बनी है, चाहे सीनियर डिप्टी मेयर बने हैं, डिप्टी मेयर बने, एफएनसीसी के मेंबर्स बने हैं, और मैं यही करता हूं कि उनकी बड़ी पारदृष्टि है और उन्होंने बड़े सोच समझ के ये टीम बनाई है, और मुझे लगता है कि जो गतिविधि मैं आपको बताऊंगा कि जब जाखड़ साहब हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब रहे बाई इलेक्शन में डेढ़ साल दो साल रहे, उस टाइम पे इतने प्रोजेक्ट्स हमारे सिटी में आए, और आप देख रहे हैं पूरी सिटी में सीएम साहब और जाखड़ साहब की ब्लेसिंग से साढ़े 300-400 करोड़ के काम चल रहे हैं, और ऐसे ऐसे काम चल रहे हैं कि जो हमने हमारे शहर के लिए बड़े जरूरी थे, चाहे ब्रिजेस थे या चाहे सीवरेज पानी था। मैं यही सबको ये कहना चाहता हूँ कि आपने कैप्टन साहब और सीएम साहब के ऊपर ट्रस्ट करके ये कॉरपोरेशन बनाई है सारे पठानकोट के लोगों ने, और मेरा भी मान रखा है, सारी टीम का मान रखा है। आपको इतना श्योर करता हूँ कि मेयर साहब की तरफ से, उनकी पूरी काउंसलर की तरफ से दिन रात सिंसियरिटी से मेहनत होगी, पहले भी इन्होंने करी है, अब आगे भी करेंगे। प्लस कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की तरफ से, सुनील जाखड़ साहब जी की तरफ से, और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान बैंस साहब की जी की तरफ से, क्योंकि
और एक बॉडी होती है जो वर्कर्स की, जो पूरी फीडबैक देती है। मैं आपको श्योर करता हूँ कि पैसे से लेकर किसी भी चीज की कमी, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना में भी मैं जो चीज कहता हूँ हर चीज मुहैया करवाई जाती है पठानकोट के लिए, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे हॉस्पिटल्स में कोई भी रिक्वायरमेंट हो, चाहे गरीब आदमी, जैसे मिशन फतेह किट की एक छोटी सी बात बताता हूँ, हमारे लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, जैसे ही कोई मैसेज डालता हूँ मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स है जाकर साहब की और सीएम साहब की, एक दिन में 1000 मिशन फतेह किट भेज देते हैं। तो मैं सारे पठानकोट वासियों को ये अश्योर करता हूँ अपनी सरकार की तरफ से, सीएम साहब और जाकर साहब की तरफ से, मेयर साहब की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से, दिन रात मेहनत करेंगे, जो सपना हम सब हर बंदा रखता अपने शहर के लिए, इसको हर चीज में सक्षम करेंगे। जय हिंद। पठानकोट तो गुरदेव सिंह जोहल दी रिपोर्ट। फ्री लीफ आयुर्वेदिक ऑयल 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज, जिमें गठिया, सर्वाइकल, माइग्रेन अते शरीर विच किसी भी किस्म दी दर्द क्यों ना हुंदी होवे, इत्थों तक कि ब्लॉकेज दे नाल बनियां कई बीमारियां दा इक्को एक इलाज है फ्री रिलीफ आयुर्वेदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियांदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर, कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है, कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नू अपनाओ ते कब्ज तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 9478484087। नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478484087।